सत श्री अकाल दोस्तों, एक बार तुहाडा फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी टूडे पंजाब न्यूज़ चैनल ते। मैं हाँ तरसेम सिंह मठाड़ू लैके हाजिर हुए हैं जी अज के दिन दिया सुबह दिया ताज़ा तरीन बड़िया खबर। दोस्तों इन्होंने खबरों को शुरू कर तो पहले एक बार नज़र मारते हैं चोणवी खबर से। पहली चोणवी खबर है कि स्कूलों में सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति लैके अहम खबर जारी होए ये हुक्म। भारत कनेडा संबंध बिगड़े तो सब तो वध पंजाबियों नूं पवेगी मार, नौकरी व्यापार के नाल नाल विद्यार्थियों नूं आ सकदियां ने वड्डियां मुश्किलां। मुक्तसर विच वड्डा हादसा, सवारियों नाल भरी बस नहर विच डिगी, 8 लोगों की मौत ते 35 नूं बचाया, रुड़न वालों की भाल जारी। पंजाब सरकार ने लोगों नूं फिर दित्ती वड्डी राहत, प्रॉपर्टी टैक्स नूं लैके जारी किया यह नोटिफिकेशन। अध्यापकों दी खाली पईआं पोस्टां ना भरन ते मान सरकार नूं हाई कोर्ट दी फटकार, जारी होए ये हुक्म। मोहल्ला क्लीनिक विच भर्ती लई मान सरकार ने नोटिफिकेशन किया जारी, 2 अक्तूबर तक करो अपलाई। पुरानी पेंशन लागू करना वित्तीय तौर ते खतरनाक, RBI ने दित्ती चेतावनी। पंजाब च आईलैट सेंटर चलाउण वालिआं लई वड्डी खबर, किसान क्रैडिट कार्ड धारकों नूं कर्ज मिलना होगा होर आसान। वित्त मंत्री अज करनगे किसान लोन पोर्टल की शुरुआत। जिन्हां दे अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट रद्द किए गए ने उन्हां खिलाफ सख्त कार्रवाई करन दे आदेश। तां दोस्तो इस दीआं आपणीआं इस वेले दीआं चोणवीआं खबरां, हुण गल करदे हां जी इन्हां खबरां दी विस्तार नाल। उस तो पहले जिहड़े दोस्त चैनल ते नवें आए नूं चैनल नूं सबसक्राइब कर लैण जी, ते जे तुसीं अपनी ये वीडियो फेसबुक पेज पर वेख रहे हो तो अपने फेसबुक पेज टूडे पंजाब न्यूज़ में भी फॉलो जरूर कर लो, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद होवेगा। नज़र मारते हैं जी पहली खबर ते जो कि स्कूलों लई है। स्कूलों सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति लैके अहम खबर जारी हो ये हुक्म। पंजाब के सरकारी स्कूलों च पहली बार सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति की जा रही है। इस संबंधी जानकारी देंदे सिक्ख्या विभाग ने दसिया कि पैसको वालों 699 स्कूलों में सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए गए ने। यह भी दसिया जा रहा है कि सारे स्कूलों में 2-2 सुरक्षा गार्ड ड्यूटी पर होंगे, जिन्हों की ड्यूटी वख-वख समय से होगी। स्कूलों में नियुक्त किए जाने वाले पहले सुरक्षा गार्डों की ड्यूटी गर्मियों में सवेरे 7 बजे तो दोपहर 3 बजे तक, सर्दियों में सवेरे 8 बजे तो शाम 4 बजे तक होगी, जबकि दूजे सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी का समा गर्मियों में दोपहर 3 बजे तो 11 बजे तक, सर्दियों में शाम 4 बजे तो 12 बजे तक होगा। लड़कियां की सुरक्षा लिए स्कूलों में सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए जा रहे ने। भारत कनेडा संबंध बिगड़े का सब तो वध पंजाबियों नूं पवेगी मार, नौकरी ते व्यापार दे नाल विद्यार्थी नूं आ सकदियां ने वड्डियां मुश्किलां। जी हां दोस्तों, कनेडा ते भारत विचाले शुरू होए विवाद दा ना सिर्फ दोवां देशां दे व्यापार ते असर पवेगा, सगों उत्थे रहण वाले लोकां ते वी असर पवेगा। इस दौरान पंजाबियों नूं सब तो वध मार चलनी पवेगी, क्योंकि उह कनेडा विच रहिंदे भारतीय मूल दे नागरिकां दी सब तो वड्डी गिणती च हन। कैनेडा की कुल आबादी 2.6% भाव 942,170 उत्थे रहिंदे ने। वह उत्थे काम नहीं करदे सगों अपना कारोबार भी चलाउंदे ने। जेकर दोवां देशां दे व्यापार दे अंकड़ां ते नज़र मारीए तां वित्तीय साल 2021-22 दौरान भारत ते कनेडा विचले 7 बिलियन डालर का व्यापार होया, जदों कि वित्तीय साल 2022-23 विच दोवां देशां विचाले 8.16 बिलियन डालर का व्यापार होया। पर जिस तरह भारत ने कनेडा की धरती से भारत विरोधी गतिविधियां कारण व्यापारक समझौता से पाबंदी लगाई है, उस नाल कारोबार प्रभावित हो सकता है। मुक्तसर विच वड्डा हादसा, सवारियों नाल भरी बस नहर विच डिगी, 8 लोगों की मौत ते 35 नूं बचाया, रुड़न वालों की भाल जारी। खबर मुक्तसर तो है जी। मुक्तसर कोटकपुरा रोड से पिंड चबेलवाली नेड़े लंघदी जुड़वा नहर चो सरहद कनाल च 45 सवारियों नाल भरी न्यूदीप कंपनी की बस डिग गई, जिस विच 8 लोगों की मौत हो गई, जदों कि 10 जने जख्मी हो गए और 35 सवारियों बचा लिया गया। बाकियों ने नहर विच रुड़ जाने का समाचार है। कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ते विधायक काका बराड़ भी मौके ते पुजे ते घटना का जायजा लिया। बस नूं बाहर कढ़न लई यतन जारी हन। SSP हरमनबीर गिल ने 8 मौतों की पुष्टि की। उन्होंने दस्सिया कि बस विच कुल 45 सवारियां सन, जिन्हां विचों 35 नूं बचा लिया गया है अते जिहड़े रुड़ गए हन उन्हां दी भाल की जा रही है। श्री मुक्तसर साहिब विजले विच वापरे सड़क हादसे संबंधी जिला प्रशासन वालों स्थित कंट्रोल रूम का नंबर
0-16-33-262-175 जिक्र जो कि नहर के पुल से लगे लोहे के एंगलों से वजन कारण बस का अद्धा हिस्सा नहर च जा लटक गया, अद्धा हिस्सा बाहर पुल उपर रह गया, जिस कारण घटना का पता लगन से लोग वड्डी गिनती में उत्थे पुजे। उधर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रूही दुग समेत प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पुजे तो बस चो सवारियों नूं बाहर कढ लिया गया। पंजाब सरकार ने लोगों फिर दी वड्डी राहत, प्रॉपर्टी टैक्स नूं लैके जारी किया यह नोटिफिकेशन। पंजाब सरकार वालों बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाउण ते व्याज अते जुर्माने नूं माफ करन दा फैसला बदलाव तो बाद एक बार फिर लागू हो गया। दस दईए कि पंजाब सरकार बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाउण ते 18% व्याज अते 20% जुर्माना लगाउंदी है। 31 दिसंबर तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स एक बार जमा करवाउण ते व्याज जुर्माने नूं माफ करन दा हुक्म लोकल बाडीज विभाग के प्रमुख सकत्तर वालों 4 सितंबर नूं जारी किया गया सी, पर यह फैसला लागू होने तो पहला ही टाल दिता गया। इस संबंधी सरकार वालों भेजी गई सूचना में कहा गया कि यह पत्र अनजाने विच जारी किया गया सी अते इस ते मुड़ विचार किया जाना चाहिए। इस नूं लैके कई तरह दियां अटकलां लगाईआं जा रहीआं सन। मुख्यमंत्री मुख तौर पर कहा गया कि मुख्यमंत्री जां लोकल बाडीज मंत्री राहीं इस फैसले का ऐलान करके सिहरा लैण का टीचा हासिल नहीं किया जा सकिया। हालांकि मुख्यमंत्री वालों सरकार कारोबार मीटिंग दौरान उपरोक्त फैसले का कोई जिक्र नहीं किया गया, पर बदलाव के नाल लोकल बाड़ी विभाग ने एक बार फिर बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाउण ते व्याज अते जुर्माने की छोट बारे नोटिफिकेशन जारी कर दिता है। अंतिम मिति 31 दिसंबर जिहड़ी इस लई रखी गई है। अध्यापकों दीआं खाली पईआं पोस्टां ना भरन ते मान सरकार नूं हाईकोर्ट की फटकार जारी होए यह हुक्म। पंजाब दे विच कालजां ते यूनीवर्सिटियां विच खाली पईआं अध्यापकां प्रोफेसरां दीआं पोस्टां दा मामला हुण हाईकोर्ट पहुँच गया, जिस पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने चिंता जाहर की है। पंजाब के कालजा ते यूनीवर्सिटियां विच अध्यापकां दीआं 2000 तो वध असामियां खाली पईआं ने जो सरकारां ने लंबे समय तो नहीं भरिया। इस नूं लैके हाईकोर्ट ने मान सरकार नूं हुक्म जारी करदे हुए 1 महीने के अंदर इश्तिहार जारी करन अते अगले महीनों में अध्यापकों की भर्ती मुकम्मल करने लई कहा है। हाईकोर्ट में पटीशन दायर करदिआं गर्मा अते होरनां ने कहा सी कि वह रैगूलर भर्ती लई पूरी तरह योग हन, पर कालजां अते यूनीवर्सिटियां विच रैगूलर अध्यापकों दीआं असामियां अते पार्ट टाइम लैक्चरां दी नियुक्ति की गई है। हाईकोर्ट नूं दस्सिआ गया कि वख-वख पटीशनां पेंडिंग होण कारण 2002 विच अध्यापकों की भर्ती मुकम्मल नहीं हो सकी। ये पटीशनां पेंडिंग होण दौरान पंजाब सरकार ने पार्ट टाइम लैक्चरां दी नियुक्ति कर दित्ती सी। ये लैक्चरां लगभग 2 दहाकिआं तों सेवा निभा रहे ने अते हुण सरकार ने इन्हां नूं रैगूलर करन दा फैसला कीता है। महला क्लीनिक विच भर्ती लई मान सरकार ने नोटिफिकेशन किया जारी, 2 अक्तूबर तक करो अप्लाई। पंजाब च महला क्लीनिक नूं लैके अहम खबर सामने आई है। आम आदमी क्लीनिक पंजाब विच सेहत देखभाल प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। NHM महला क्लीनिक भर्ती संबंध पंजाब भर्ती 2023 लई नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इच्छुक उम्मीदवार वेरवे पढ़ने के बाद अप्लाई कर सकते ने। जानकारी मुताबक महला क्लीनिक विच अर्जी जमा करने की आखिरी तरीक 2 अक्तूबर 2023 है। आम आदमी क्लीनिक विच मैडिकल अफसर फार्मेसिस्ट क्लीनिकल असिस्टेंट चाहिए ने। ऑनलाइन आम आदमी क्लीनिक भर्ती अधिकारिक वैबसाइट nhm.punjab.gov.in ते अप्लाई कर सकते हो। इस विच फार्मेसिस्ट अते क्लीनिकल असिस्टेंट लई उम्र 37 साल अते मैडिकल अफसर लई नोटिफिकेशन मुताबक प्रीख्या की तरीक जल्दी ही ऐलान दी जाएगी। पुरानी पेंशन लागू करना वित्तीय तौर पर खतरनाक, RBI ने दी चेतावनी। नवी पेंशन प्रणाली NPS की थां पुरानी पेंशन स्कीम OPS नूं लागू करन दा एक वड्डा सियासी मुद्दा बन चुका है। मुख विरोधी पार्टी इस नूं हर सूबे च लागू करन दी गल कर रही है। केंद्र सरकार ने NPS विच बदलाव बारे सुझाव देण लई एक कमेटी भी बनाई है। RBI ने नवी अते पुरानी पेंशन स्कीम ते राजनीति कर रही सारियां पार्टियां नूं असिधे तौर ते चेतावनी दित्ती है कि सूबे नूं NPS की थां OPS लागू करन लई वड्डी वित्तीय कीमत चुकाउणी पवेगी। सोमवार नूं RBI दे खोजियां ने इस संबंधी एक अध्ययन ते अधिकारित लेख जारी किया, जिस विच स्पष्ट तौर पर कहा गया कि सूबे च OPS लागू करना वित्तीय तौर पर टिकाऊ नहीं है। जेकर अजिहा हुंदा है तां साल 2040 तों बाद राज्यां ते पेंशन भुगतान का बोझ मौजूदा पद्धर के मुकाबले औसतन 4.5 गुणा वध जाएगा। पिछले एक साल च यह दूजी वार है जदों RBI तों अजिही चेतावनी आई है। यह उदों आया जदों पुरानी पेंशन स्कीम कई सूबियां दीआं आगामी चोणां ते अगलियां आम चोणां विच वी वड्डे मुद्दे वजों उभरन की संभावना जताई जा रही है। पंजाब च आईलैट सेंटर चलाउण वालियां लई वड्डी खबर। पंजाब सरकार पंजाब दे आईलैट सेंटरां खिलाफ़
कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। जेड़े केंद्र निजमत टैक्स नहीं भर रहे ने उन्हां लई कार्य योजना तैयार की गई है। सरकार ने वख-वख जिलों में चल रहे अजिहे आईलैट सेंटर खिलाफ वड्डी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली, जिस कारण सरकार नूं करोड़ों रुपए के मालिए का नुकसान हो रहा है। इनकम टैक्स विभाग की जांच पंजाब के करीब 703 आईलैट सेंटर रडार ते ने जिन्हां खिलाफ 50 लाख तो लैके 3 करोड़ रुपए तक का टैक्स चोरी की जांच चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि आमदन कर विभाग छेत ही केंद्र नूं नोटिस जारी करेगा। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों नूं कर्ज मिलना होगा होर आसान। वित्त मंत्री अज करनगे किसान लोन पोर्टल की शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंगलवार को किसान पोर्टल लॉन्च करेंगे। इस पोर्टल राही किसान क्रेडिट कार्ड KCC धारकों नूं सबसिडी वाले करजे लैण विच मदद की जाएगी। पूसा कंपलैक्स विखे किए जाण वाले प्रोग्राम विच घर घर KCC मुहिम च मौसम सूचना नैटवर्क डाटा सिस्टम पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। तुहानू दस दे कि 30 मार्च तक लगभग 7.35 करोड़ KCC खाते सन, जिन्हां की कुल मंजूर कर्जा सीमा 8.85 लाख करोड़ रुपए है। अधिकारित अंकड़े अनुसार सरकार ने चालू वित्तीय साल च अप्रैल तो अगस्त के दौरान रियायती ब्याज दर से 6673.50 करोड़ रुपए का खेती कर्जा वंडिया ता जो होर किसान भी किसान क्रैडिट कार्ड का लाभ प्राप्त कर सकन। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत चुने गए गैर KCC धारकों की पछाण की गई है। की है KCC किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिवेलपमेंट वालों तैयार की गई एक मॉडल स्कीम के आधार से 1998 च शुरू की गई सी। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम किसानों लिए ढुकवें समय सिर कर्जे प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल बनाने के उद्देश लिया गई सी। यह किसानों बीज खादा कीटनाशक आदि वर्गे खेती समगरी खरीदने मदद करेगा। KCC च वाढ़ी तो बाद के खर्चे खपत दीआं लोड़ां खेतीबाड़ी लई उधार लोड़ां ते सहायक गतिविधियां विच निवेश भी शामिल है। जिन्हां दे अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट रद्द कीते गए ने उन्हां खिलाफ सख्त कार्रवाई दे आदेश है। दोस्तों लास्ट खबर है जी, समाजिक न्याय अधिकारिता ते घट गिणती मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने पंजाब सरकार के वख-वख विभागों के अधिकारियों ते पंजाब राज दे डिप्टी कमिश्नर नूं हदायत की है कि समाजिक न्याय अधिकारिता ते घट गिणती विभाग वालों बीते दिनों में कुल 17 जिन्हों चो 16 जाली अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट अते एक पछड़ी श्रेणी सर्टिफिकेट रद्द किए जा चुके हैं, परंतु अजे तक इन्हों व्यक्तियों खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लिया गई। कैबिनेट मंत्री ने दसा कि पंजाब सरकार वालों सूबा पद्धर से स्कूटनी कमेटी गठित की गई है, जिस वेलों हुण तक जिला पटियाला अविनाश चंद्र, शिंदर कौर, राजू, अमरीक सिंह, जगदीश सिंह, अमर कौर कपूरथला के अरविंद कुमार, SS नगर के प्रमोद कुमार, जसवीर कौर फिरोजपुर की गीता, जसविंदर सिंह, बलविंदर कुमार लुधियाना के, हरपाल सिंह, जतेंद्र कौर मुक्तसर साहब के, लेखराज फाजिलका, सुखतियार सिंह अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट और पटियाला की सोनिया मल्होत्रा का पछड़ी श्रेणी सर्टिफिकेट रद्द कर दिता गया। इस तों अलावा डॉक्टर अमृत कौर, डॉक्टर दविंदर कौर के अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट संबंधी केस कार्रवाई अधीन है। उन्होंने कहा कि जिले संबंधित जिले के डिप्टी कमिश्नर जाली अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट रद्द कर जब्त करने के आदेश दिए गए ने। इस तरह ही जाली सर्टिफिकेटा के आधार से नौकरी प्राप्त करने वाले विरुद्ध संबंधित विभागों को कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए ने। तो दोस्तों ऐसा अपन अज सुबह दियाँ ताज़ा तरीन वड्डियां खबर। दोस्तों जो साडे द्वारा दी गई जानकारी तुहानू चंगी लगी तो जानकारी नू वध तो वध लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो दोस्तों असीं मिलते हैं अगले दिन दियाँ नवीं ते होर ताज़ा खबरों नाल। होंदे लई इन्ना ही, धन्यवाद, सत श्री अकाल।